नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के तेवर पहले से ही बगावती थे, लेकिन अब वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं और अगस्त तक हर हाल में नई पार्टी अलग पार्टी बनाए जाने का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया। उनका कहना है कि वो सभी 90 विधानसभा सीटों के साथ साथ सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि राजकुमार सैनी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे या फिर अपनी छवि के अनुरूप किसी एक समुदाय विशेष को छोड़कर। हालांकि सीधे बगावत के बाद अब सवाल ये भी कि राजकुमार सैनी बीजेपी के लिए जरूरी हैं या फिर मजबूरी। अगस्त तक अलग राजनीतिक दल लेके आऊंगा, ना मैं किसी की तोता ना मैं किसी की मैना। तो पहले वो सुनिए जिसमें राजकुमार सैनी ने बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैं पूर्णतः क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपना राजनीतिक दल धरातल पे ले आऊंगा और 90 की 90 सीटें और 10 लोकसभा सीटें हम अलग से लड़ेंगे। चटर्जी जीत रैली में तैयार करने की बात कही थी आपने, मंदिर बनाएंगे बीजेपी का जैसे नारा है, लेकिन मंदिर की कोई डेट नहीं है। राजकुमार सैनी जी पार्टी बनाएंगे, उनकी भी कोई डेट नहीं। नहीं डेट है, मैंने कहा कि वे अगस्त के 31 अगस्त से पहले पहले 15 अगस्त हमारा आजादी का दिन है। हम कोशिश करेंगे कि इस भयमुक्त समाज की एक दोबारा से एक आज़ादी और हो। 15 अगस्त को या मेरा बर्थडे है 1 जुलाई को, इन दोनों डेट के ऊपर हम जनता के बीच में अपना संगठन लेके आएंगे। तो राजकुमार सैनी को आपने सुना, ऐलान वो करते नजर आए कि अलग पार्टी बनाएंगे। साथ ही राजकुमार सैनी ने इसके बाद हमेशा की तरह एक समुदाय विशेष पर निशाना साधा। देखिए, ये तो लोग आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाएं। जब आपने पूछा कि आप क्या अलग लड़ोगे, मैंने आपको स्पष्ट कहा कि मैं अगस्त तक अलग राजनीतिक दल लेके आऊंगा, ना मैं किसी की तोता ना मैं किसी की मैना। मैं तो अलग से एक व्यक्ति हूँ, मैं तो दो दो चीफ मिनिस्टरों से पहले भिड़ा और आज भी मैं जो तर्क संगत बात है मैं जनता के लिए लड़ता हूँ। मेरी अपने मैंने 5-10 हजार लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार पे लगा रखे हैं। मैं कोई सड़क छाप व्यक्ति तो है नहीं कि अबे चौटाला ने जो कह दिया वह उसका भाषण दे दिया। मैं कोई भाषण करता नहीं। तो राजकुमार सैनी किसी की तोता या मैना नहीं है, समुदाय विशेष पर वो बोलते हैं, एक बार फिर से बोले हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इस बार तारीख निर्धारित कर दी गई, या तो देश की आजादी वाले दिन या फिर खुद के जन्मदिन वाले दिन वो पार्टी अलग बनाएंगे। और क्या कुछ कहा गया वो भी सुन। मैंने इनेलो का भी किया, नरेंद्र मोदी जी का भी किया, सबका साथ सबका विकास के भाषण हो रहे हैं। देश के अंदर जगह जगह तांडव हुए आरक्षण को लेकर के। अगर हम वाकई ईमानदारी से प्रदेश और देश के लोगों को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबका साथ सबका विकास अपने आप हो जाएगा। 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में कर दो, ना मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा। ये वातावरण वही बदल जाएगा कि मेरी जाति का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनेगा मेरे को फायदा होगा, तेरी का बनेगा तेरे को फायदा होगा। जब कोई किसी का हक छीन करके किसी को दे ही नहीं सकेगा तो तेरा मेरा वही खत्म। ये क्या श्योरिटी है राजकुमार सैनी जी, अगर मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा का समान विकास होगा? समान विकास के दावे को लेकर वादे को लेकर तो आपकी सरकार आई थी। मैं इसी पैटर्न को लेकर के आगे बढ़ा हूँ कि हम सबसे पहला अगर आदेश पारित करेंगे, अगर मौका जनता ने दिया कि सबको सुनिश्चित कर देंगे, सबको आरक्षित कर देंगे। ये नहीं कोई कह सकेगा कि मेरे को आरक्षण से नुकसान हुआ। जब सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित होगा तो कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। तो सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। वो बीजेपी से सांसद तो है ही, साथ ही उनका अपना एक मंच भी है, लोकतंत्र सुरक्षा मंच उनका है। अब साफ कर दिया गया है कि बीजेपी से अलग जाएंगे। बीजेपी कल निकालती मुझे आज निकाल दे फर्क नहीं पड़ता, बाकायदा तारीख बता दी गई है। तो बीजेपी की मजबूरी है राजकुमार सैनी या फिर जरूरी है? अगर पार्टी राजकुमार सैनी को निकालती है तो किसको इसका फायदा होगा? अगर अलग पार्टी वो बनाती है तो किसको फायदा होगा? अगर अलग पार्टी बनाती है तो उसका एजेंडा क्या होगा? क्या 35-1 की राजनीति वो करेंगे? सवालों के जवाब लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ हैं चर्चा में, इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढुल हमारे साथ हैं, रणसिंह मान हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं, स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र विद्या अलंकार हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून, साथ ही राजकुमार सैनी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र रोहिला हैं जो कि लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। शर्मा जी, एक सरकार के सांसद, एक पार्टी के सांसद खुलकर ये कहते हैं कि बीजेपी कल निकालती आज निकाल दे फर्क नहीं पड़ता, बताइए। देखिए, राजकुमार सैनी ने जो बातें कही हैं पहली बार नहीं की, उन्होंने पहले भी कही हैं जी।
और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत, अपना रुख उनके बारे में जो है वो केंद्र के जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि राजकुमार सैनी सांसद हैं, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, और सांसद जो है वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना आकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो पार्टी है उसके अंदर आता है। हमने अपना मत, अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को दे दी है, और केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से भी फैसला लेगा वो लेगा, हम उनके साथ। राजकुमार सैनी को लेकर पार्टी का स्टैंड फिलहाल क्या है, क्योंकि आपने कहा कि पहली बार नहीं बोले हैं, बात और भी गंभीर हो जाती है कि पहले भी वो बोलते रहे, बीजेपी को पूरी जानकारी। देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर कोई भी वैमनस्य की बात करता है, कोई भी गलत बात करता है, वो चाहे हमारी पार्टी का है चाहे दूसरी पार्टी का है, वो कहीं भी मानने योग्य नहीं है। एक सभ्य समाज के अंदर, एक अच्छे लोकतंत्र के अंदर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना होता है, पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलना होता है। भारतीय जनता पार्टी इस नीति पे काम करती है। दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जब शुरुआत की गई इस तरह के बयानों की, जब सांसद सैनी शुरुआत में बोलते थे, तब बीजेपी ने नहीं कहा कि सबको साथ लेकर चलना होता है, ये बातें बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है। नहीं की गई जी, बताइए कब कहा? नहीं ज्योति, ऐसा कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने कि वो सैनी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हमने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, हमारी करनी है, हम वही कहते हैं जो हम करते हैं, हम केवल नारे देने में विश्वास नहीं रखते। तो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग, यहाँ की 36 बरादरी, सब वर्गों के, सब समूह के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करती है, और सब क्षेत्र का विकास करने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आपके सांसद को उसमें विश्वास ही नहीं है? हाँ, तो इसलिए लेकर चलेंगे सबका विकास, इसलिए उनकी क्या राय है, ये उनकी क्या राय है वो खुद बयान करेंगे, वो खुद कह रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मत है, पार्टी का ये मत नहीं है। हम पार्टी के अब जो बयान है वो जो मैं कह रहा हूँ वो है, वो क्या कह रहे हैं वो उनका व्यक्तित्व, क्योंकि वो पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, वो एक सांसद हैं, और सांसद के नाते उनके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है, हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के बारे में जो कहना था उसके बारे में कह दिया। बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बहुत पहले से वो बोलते आ रहे हैं, जाट समुदाय के खिलाफ भी बहुत बार बोले हैं, बाइक्स भी हम सुनवा देंगे, कब कब बोले? मान साहब, क्या लगता है इतना मुश्किल क्यों है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हालांकि इस देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के मुताबिक अपनी पार्टी गठित करने का अधिकार है जी। लेकिन राजकुमार सैनी के बारे में कुछ ऐसे एक यथार्थ ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उन्होंने जानबूझ करके और एक बिल्कुल योजनागत तरीके से, और उन्होंने राजकुमार सैनी के मुंह से वो बात करवाई जो वो खुद नहीं कह सकते थे। हाँ। उनका क्योंकि विचार जो आदमी के बनते हैं वो बहुत ये 20 से 30 साल के बीच में बन जाते हैं जो उसके होते हैं। राजकुमार सैनी आज उस उम्र से बहुत आगे जा चुके हैं। बिल्कुल। और उन्होंने, यदि उनका शुरू में ये विचार होता तो वो कभी भी चौधरी बंसीलाल की सरकार में नहीं होते और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होते। यदि उनके ये विचार होते तो एक अपने राजनीतिक गणित भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि राजकुमार सैनी जो कह रहे हैं उससे जो सामाजिक ताना बाना है वो उसमें इस तरह का बिखराव होगा कि राजनीतिक रूप से उनको मदद मिलेगी, फायदा होगा। तीसरी बात इसमें ये महत्वपूर्ण है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं होती तो जैसे कीर्ति आजाद को एक झटके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो क्या वजह रही कि पार्टी ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली और राजकुमार सैनी ने हरियाणा का जो सामाजिक ताना बाना था उसमें विष घोलने का काम किया। बिल्कुल इनकी ये सोची समझी चाल थी कि राजकुमार सैनी ऐसे ही चलते रहें, और अब ये जरूर बात है कि वो कह रहे हैं हम पार्टी बनाएंगे। आजाद जब अरुण जेटली के खिलाफ बोलते हैं, 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाता है, यहाँ मुश्किल क्यों हो जाती है? क्या शुरुआती तौर पर बीजेपी को लगा नहीं कि राजकुमार सैनी को रोका जाना चाहिए? नहीं, बीजेपी यदि रोकना चाहती तो रोक लेती। ज्योति, आज भी हम डिबेट कर रहे हैं, आज भी हमारे सामने स्पष्ट मत नहीं है कि हरियाणा भाजपा उन्हें निकालना चाहती है या उन्हें रखना चाहती है। वो ये इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट बात नहीं बताएंगे। ये रखेंगे क्योंकि रखना इनको सूट करता है। उसके बाद में जब वो बाहर निकलेंगे तो मान मुलम्बल होगी, उनको मनाने की कोशिश होगी, उसके बाद में ये लोगों के अंदर ये संदेश देंगे। बेशक से राजकुमार सैनी जो है वो यहाँ पे हमारी पार्टी को छोड़ करके चले गए हो, लेकिन हमने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा जिस प्रकार का हमने कार्य किया था।
तो निश्चित रूप से जो है पहली उसके ऊपर ही जो है पहले ही दिन पहली ही जबान के अंदर इस प्रकार की जो जहर फैलाने वाली जो खराब करने वाली सामाजिक समरसता खराब करने वाली बातों को रोकना आवश्यक था, नहीं रोका गया तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाली है। ये बात आप निश्चित रूप से मानिए, मैं 3 साल से कह रहा हूँ भाजपा नहीं निकालेगी, बिल्कुल हाँ। भी नहीं निकालेगी। संजय शर्मा जी, आप लोग नहीं निकालेंगे पार्टी से बाहर, जब अभी दो बातें आई हैं, प्रमुख जब आते हैं आपके सांसद नहीं पहुंचते, खुलकर कहा जाता है वो नहीं आएंगे, रैली फ्लॉप रही वो खुद इस बात को बोलते हैं, सीएम का भविष्य अंधकार में है वो खुद इस बात को बोलते हैं, एक्शन लिया जाना कतई जरूरी नहीं लगता अभी तक आपकी पार्टी के लिए। देखिए ज्योति, एक तो आदरणीय रण सिंह मान जी ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका उपयोग कर रही है, मुझे बताएं एक भी घटनाक्रम ऐसा कि जब से लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय उन्होंने ऐसे कौन से बयान दिए थे, जो बयानबाजी हुई या जिस तरह की जो बातें ये उठा रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा राजनीतिक लाभ हरियाणा की राजनीति के अंदर लिया। दूसरी बात, अभी आदरणीय ढुल साहब जो बात कह रहे थे कि ऐसा करेंगे, ये हाइपोथेटिकल बातें करना, वो दल अभी उन्होंने बनाया भी नहीं है, उन्होंने कोई इस तरह की बात भी नहीं कही, उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा भी नहीं सामने रखा गठित की, उसमें राजकुमार सैनी का नाम आता है कि उनकी ओर से बयान दिए गए ऐसे जिनसे आंदोलन भड़का, क्या एक्शन लिया गया वहां पर, क्या हाईकमान इंतजार की कर रहा है कि राजकुमार सैनी खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाए। ज्योति, जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और आदरणीय अध्यक्ष जी ने उनसे बात की, उसके बाद उनका इस तरह का कोई बयान नहीं आया, उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, बाकी तो उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो सही तरीके से बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति वैमनस्य फैलाने की बात, जब जाट समुदाय के साथ मैराथन मीटिंग चली आप लोगों की, तब साफ कहा गया कि एक घुटने टेक दिए गए सरकार की ओर से जाट समुदाय के साथ। देखिए आज उनके बयान को आप ये देखिए ना, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की रैली को लेकर वो बोले कि आपकी रैली को नंबर हरियाणा की जनता ने दे दिए, सर वो क्या था वो भी बता दीजिए, जाट समुदाय लठतंत्र चला रहा है वो क्या है, क्या वो हाल फिलहाल के बयान नहीं है, ये जो उन्होंने बयान दिए सरकार ने इन सबका संज्ञान लिया है, पार्टी ने इन सबका संज्ञान लिया है और उसी के आधार पर पार्टी ने अपनी रिकमेंडेशन केंद्रीय नेतृत्व को दी है। और मुझे लगता है कि टीवी चैनल में बताने के लिए नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में कहेंगे। दूसरी बात, उन्होंने चाहे रैली के बारे में कहा, उन्होंने हरियाणा सरकार के बारे में कई अच्छी बातें भी कही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी तो बात है ना। देखिए आप कीर्ति आजाद के साथ सुनिए, कीर्ति आजाद के साथ जो तुलना की जा रही है राजकुमार सैनी की, दोनों में अंतर है। उन्होंने सीधा सीधा देश के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाए और वो आरोप ऐसे थे जिसको वो साबित नहीं कर पाए, इसके कारण से उनको पार्टी ने बाहर किया। राजकुमार सैनी ने हरियाणा सरकार के किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने जनरल अपनी बात कही, वो 35A की बात करते रहे सर, वो 35A की बात करते रहेंगे, क्योंकि आपके मंत्रियों पर आपके विधायकों पर आरोप नहीं लगाते, बिल्कुल मान्यता नहीं देते, आप गंभीरता से नहीं लेंगे, हम गंभीरता से नहीं लेंगे, नहीं नहीं हम गंभीरता से ले रहे हैं ना, हम उनकी बात को बिल्कुल मान्यता नहीं देते, ये उनके व्यक्तिगत विचार है और अपने विचार के आधार पर वो कोई पार्टी बनाए कुछ बनाए ये उनका अपना काम है, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं है, व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं क्या, सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, सरकार की जवाबदेही नहीं है, देखिए सरकार की, सुनिए एक बार के लिए, सरकार की जवाबदेही होगी उसमें कि अगर सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा। जादौन साहब, देखिए राजकुमार सैनी जी जो बयान देते रहे वो पार्टी का जो बीजेपी का घोषित एजेंडा था और घोषित सिद्धांत था कि सबका साथ सबका विकास, उसके सरासर विपरीत ही था, चाहे उसको कुछ भी कहा जाए कि पार्टी के साथ नहीं है, ये पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है और पार्टी की कोई अनुमति नहीं थी उनको, लेकिन अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका क्या संदेश जाएगा, लोग सोचेंगे कि बीजेपी अगर इसमें कोई दखल नहीं कर रही है और उनके जो मनमाने बयान लगातार आ रहे हैं तो लोग तो यही संदेश लेंगे कि पार्टी की तरफ से उनको छूट है और अब तक यही छवि बनी हुई है कि पार्टी ने इनको इस तरह से बोलने के लिए छोड़ा हुआ है, तो ये इस पर कुछ लगाम ऐसा लगना चाहिए था, लोगों को ये मैसेज मिलना चाहिए था कि उनको नियंत्रित करने की कोशिश की गई। अब वो ये है कि नेतृत्व के तौर पर इंटरनल चैनल में आपने क्या रिकमेंडेशन दी और क्या उनको समझाया गया, स्याही फेंकी जाती है धारा 307 लगाने की, खुद बीजेपी सरकार पक्षधर रहती है, हरियाणा के सीएम पक्षधर रहते हैं कि धारा 307 लगाई जाएगी, वो अलग बात है कि जांच के बाद वो धारा हटा दी जाती है, तो कितना एक्शन सरकार ने लिया, कितनी गंभीरता से सरकार ने लिया, वो जनता के सामने है अच्छी तरह से, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र रोहिला जी, वो कौन सा लोकतंत्र है जिसकी सुरक्षा आप लोग करते हो एक समुदाय को अलग छोड़कर उसके खिलाफ बयान देकर? देखिए ज्योति जी, एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और आज राजकुमार सैनी जी हरियाणा की राजनीति में उभरे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है असमानता। हमारे हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद
लूटमार खसोट जो पिछली सरकारों के दौरान रही है और इस सरकार के दौरान भी जो अनियमितताएं बरती गई उसको देखते हुए उन्होंने ये बीड़ा उठाया। उन्होंने बयानबाजी से अलग क्या किया सर, वो पंचायत से लेकर सांसद तक आ गए, उन्होंने क्या कौन सी लड़ाई लड़ी संसद में, कौन सी लड़ाई लड़ी गई राजकुमार सैनी की ओर से? संसद में उन्होंने पिछड़े वर्ग के बहुत सारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी। कौन से अधिकारों की? पिछड़े वर्ग को उन्होंने पूरा 27% आरक्षण देने की बात कही लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया। उनकी आवाज सर मंचों से ही निकलती है। मैं पैनल पर बहुत साफ कहती हूं कि संसद में क्या किया, पंचायत से लेकर सांसद तक बन गए, वो तब क्या किया गया? भड़काऊ भाषण देने के अलावा जो कि उन पर आरोप लगते हैं कि 35-1 की राजनीति वो करते हैं। ढोल साहब देखिए, संसद के अंदर मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से फॉलो करता हूं, संसद के अंदर राजकुमार सैनी हरियाणा में सबसे कम बोलने वाले सांसद हैं। ना इनकी तरफ से कोई प्रश्न लगाया जाता है, ना हरियाणा की हित की बात की जाती है। इनका गोद लिया हुआ गांव है, उस गांव की भी आप हालत जाकर के देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के सांसद ने वहां पर किस प्रकार का विकास किया। ये केवल एक एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। एजेंडा क्या रहता है? एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों की जनभावनाओं को भड़का करके एक समुदाय के विरोध, क्योंकि वो समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक जिनकी जनसंख्या कम होगी वो कहीं ना कहीं उससे जो है दिक्कत महसूस करते होंगे। ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है उस समुदाय के विरोध में जहर भर करके उनके विरुद्ध बार बार भड़का करके इस प्रकार के कार्य किए जाएं, ये कतई जो है निश्चित रूप से निंदनीय है। और इस निंदनीय कार्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है क्या एक्शन लेती है, कहती क्या है, ये तो हमें भी पता है। मुख्यमंत्री जी के भी खिलाफ बोले थे, आपको याद होगा ज्योति, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो है 17 फरवरी 2016 को बयान दिया था कि मेरी राजकुमार सैनी जी से बात हो गई है और वो माफी मांगने के लिए तैयार है। राजकुमार सैनी जी का पहला बयान ये आया था कि मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगा और मेरी मुख्यमंत्री से कोई भी बात नहीं हुई है। क्या इसे हम अटैक नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री के ऊपर? पता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इनके विरुद्ध में किसी प्रकार का एक्शन लेने में इतना असमर्थ क्यों है? संजय शर्मा जी बताइए। नहीं, कोई असमर्थ और असमर्थता वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन हमने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को उनकी जो सारी बात है वो पहुंचा दी और वो निर्णय लेंगे। लेकिन उनकी किसी भी बात से जो इस तरह के मेमनस से कि वो बात करते हैं, हम से सहमत नहीं कब लेंगे ये खबरें। हमें तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं नहीं कुछ कह सकता। 2019 के बाद एक्शन लेंगे। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का प्रवक्ता हूं, मैं उस नाते अपनी बात कह सकता हूं। केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, कब निर्णय लेगा, ये जवाब मैं नहीं दे सकता। ये जवाब तो वही दे सकता, जवाब केंद्रीय नेतृत्व ही देगा। रणसिंह मानसिंह जी, क्या कुछ लगता है आपको कि इतना मुश्किल है बीजेपी के लिए कि हरियाणा बीजेपी से आप सवाल करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व ही जवाब देगा इस मामले को लेकर? 2019 करीब आ पहुंचा है, लगातार बयानबाजियां जारी हैं, अभी भी राजकुमार सैनी के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि आप चाहे तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, हम लोग अभी स्थिति साफ नहीं करेंगे। जितनी बहस अब तक हुई है उससे दो नतीजे निकलते हैं। पहला तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी बोले, सदम वेश में कहिए, गुप्त रूप में कहिए या छिपे हुए एजेंडे के तौर पर कहिए, उनको राजकुमार सैनी जी को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा है कि वो इस तरह बोले, हम आपके खिलाफ बोले कुछ, कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, और तब जा करके राजकुमार सैनी जी यहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी बात जो अब तक की बहस में प्रमुखता से आई, देखिए समाज है वो व्यक्ति से बड़ा है, और एक फाइनेंस मिनिस्टर के कुछ कह दिया तो उस एमपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। वो भी कीर्ति आज़ाद भी मेंबर पार्लियामेंट थे और राजकुमार सैनी भी ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, लेकिन किसी तरह की उसके खिलाफ कार्रवाई न होना और उसको समाज से जोड़ करके देखना और उस समाज से बड़ा राजकुमार सैनी को मान लिया जाए, तो ये अपने आप सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज चाहे तो कुछ भी कहे, बीजेपी की मंशा पर सवाल जरूर उठेंगे। शर्मा जी उसे इनकार नहीं कर पाएंगे। ज्योति, ये बहस को किस दिशा में भटकाना चाहते हैं? सांगवान जी, अलंकार जी, हाँ जी, पहला कमेंट आपका, फिर राजकुमार सैनी जी से सवाल करेंगे, फोन लाइन पर आ गए हैं वो। ज्योति जी, सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की 2014 में ये थी कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि पहली दफा है जो उन्होंने अकेले पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो उनकी स्थिति थी कि कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब दो इनके एमपी इनकी अपनी मूलतः पार्टी से हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी और कटारिया जी, इन दोनों के सिवाय, ये दोनों तो डिसिप्लिन में है, ये जानते हैं पार्टी के लाइन क्या है, उन्हें क्या बोलना, क्या करना है, लेकिन बाकी के जो एमपी हैं
उनकी आप देख लो, राजकुमार सैनी जी सबसे ज्यादा मुखर हैं, वो एक ऐसे मुद्दे पे आ गए जहां समाज को ही खतरा है। आप ये देखिए, अदरवाइज तो दो एमपी और हैं, वो भी वक्तन पक्तन पार्टी के लाइन के खिलाफ बोलते रहे हैं। इन्हीं अंदर खाने उनमें भी उबाल है, वो भी राजकुमार जी को फॉलो करते हैं कि ये आरक्षण को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेला आरक्षण जाटों को नहीं मिलेगा, आरक्षण में चार पांच जातियां और भी हैं। राजकुमार जी ने एक शब्द भी कभी उनके खिलाफ नहीं कहा, उनके खिलाफ नहीं बोलते वो, ठीक है। राजकुमार सैनी जी खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। कब ये घोषणा कर दी जाएगी कि आज पार्टी नई हो चली है, आज बीजेपी से कोई नाता राजकुमार सैनी का नहीं बचा है? नरेंद्र विद्या अलंकार है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, उनको सुना अभी आपने। अच्छा, मैं विश्लेषक साहब से एक विनती करना चाहूंगा कि यहाँ तो एक एक परिवार तीन तीन पार्टियों में जुड़े हुए लोग हैं। मेरा परिवार तो वाहिद एक जिस भी पार्टी में मैं रहा उसी के साथ रहे। जिस प्रकार से इस देश के 70 साल कांग्रेस ने इस्तेमाल किए, 70 में से 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 12 बार इस देश पे सरकार चलाई जी। 12 बार सरकार चलाने के बाद सिर्फ भाषण भाषण और फिर भाषण, गरीबी टाओ, बेरोजगारी टाओ, किसान बचाओ जी। आज भी ये भाषण दे रहे हैं, देश ला करके फकीरों की लाइन में खड़ा। सैनी साहब, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, माफी के साथ आपको रोकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि चर्चा का विषय ये है ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया। आपकी पार्टी सत्ता में है सर, आपको पार्टी से, आपकी सरकार से शिकायतें हैं। सुनिए सर, सुनिए, सवाल ये था कि पार्टी अलग कब तक बना लेगी, कब बनाएंगे? तो देख, सुनिए, आज भी जो है ना, जिन लोगों ने पूरा प्रदेश जला दिया उनसे तो इसको खतरा नहीं है। विद्या अलंकार जी को उनसे खतरा नहीं है जिन्होंने पूरा प्रदेश जला दिया। और विद्या अलंकार जी को जवाब दे रहे हैं, आप हरियाणा की जनता को जवाब दीजिए, आप देश की जनता को जवाब दीजिए। सांसद आप एक हैं, कब अलग पार्टी बना लेंगे या फिर बयान ही देते रहेंगे, कब पार्टी बना लेंगे? मैं बिल्कुल अलग पार्टी बनाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं उस बात के लिए आपको 2 दिन पहले 4 दिन पहले 10 दिन पहले महीना पहले आगाह कर चुका हूँ कि हम अलग पार्टी बनाएंगे। जिस दिन अलग पार्टी बनाएंगे उस दिन हम अपना अलग रास्ता चूज कर लेंगे जी। आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हैं। हमारे पास जो है ना, जो भाई जी कह रहे हैं कि राजकुमार से खतरा इतना बढ़ गया, खतरा इन लोगों को है जो लोग ये राजनीतिक दल चला करके जो है ना राजनीति में रोटियां सींचते रहे हैं एक परिवार की परछाई की। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है देश में? राजकुमार सैनी जी, सिर्फ आपकी पार्टी की घोषणा चूंकि आपने की है, बयान आपने किया दिया है कि पार्टी की घोषणा आप कर देंगे, तारीख भी आपने बताई है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे क्या राजकुमार सैनी 35-1 की राजनीति करेंगे जो आप पर आरोप लगते हैं? क्या क्या चीज कह रहे हैं? क्या 35-1 की राजनीति राजकुमार सैनी करेंगे अपनी पार्टी के जरिए जी? जाट समाज कह रहा है कि जाट एकता जिंदाबाद, राजकुमार सैनी की एक बाइट दिखा दो जिसमें 35-1 जिंदाबाद या राजकुमार के मुंह से कोई एक शब्द निकला हो के 35-1। आपने कभी कुछ नहीं बोला जाट समुदाय के खिलाफ। राजकुमार सैनी जी, क्या सुनवाए आपकी बाइट सब जिनको आप बोलकर भूल गए हैं मंच से? लेकिन क्या हम सुनवाए आपको, जगह बताए, तारीख बताए, मंच बताए, कार्यक्रम बताए, सुनवाए राजकुमार सैनी कभी जी? बोलिए सर, समाज को किसी को खतरा नहीं है, राजनीतिक दलों को खतरा जरूर है। क्या आप 35-1 की राजनीति करेंगे सर, आप पर आरोप जो लगते हैं? मैं 100% आरक्षण की बात करता हूँ, इसमें 35-6 कहाँ से आ गया? सर, क्या आप जाट समुदाय से किसी को टिकट देंगे या फिर मानकर चलें कि जाट समुदाय से ना कोई कार्यकर्ता होगा, ना पदाधिकारी होगा, ना टिकट दी जाएगी? सीधा जवाब दीजिएगा। जब कोई हमारे आरक्षण का समर्थन करेगा, एक परिवार एक रोजगार का समर्थन करेगा, किसान और मजदूर की बात करेगा, ये मनरेगा और स्कीम में जितने भी मजदूर है किसानों के साथ जोड़कर के जो हमारा विकास का समर्थन करेगा, राज्यसभा का कार्य का समर्थन करेगा, आप बिल्कुल टिकट देंगे उसको? देखिए, अभी भी बात राजकुमार सैनी जी जो है बात कर रहे हैं कि ये नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके लोग तो किस प्रकार की बात करते हैं? आपको मेरे से खतरा
नहीं नहीं किसी को खतरा नहीं है सैनी साहब, सिर्फ समाज को खतरा है। सैनी साहब आपसे किसी को खतरा नहीं है, केवल समाज को खतरा है। जिस ढंग से आप बयानबाजी करते हैं आपको खुद को ही खतरा है उनसे। राजनीति में राजनेता की उम्र 10 से 15 साल से ज्यादा नहीं होती, 15 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है, लेकिन समाज कभी रिकवर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ सांसद के नाते आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजकुमार सैनी जी, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस, हाँ सुनिए, आप सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए। कांग्रेस का राज कोई लॉटरी से नहीं निकला था, जनता ने चुना था, और इनको जो सांसद बनाया, इनको सांसद बनाया वो कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया। तो ये चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, जब उन्होंने ये नहीं कहा, जब चुनाव लड़ रहे थे ये नारा तब क्यों नहीं दिया? ये विचार आपका बाद में क्यों आया ये बताओ स्पष्ट। आपने वोट नहीं, आपने वोट किसे मांगे? आपसे किसी को, मैं तो ये भी कहूंगा कि ये प्री मेच्योर बहस है और पूर्व जो अनुमान है उसके मुताबिक बहस नहीं होनी चाहिए। एक आदमी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक ना हो सर, लेकिन बार बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा मेंबर पार्लियामेंट का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने सह दी, हमारा सीधा सीधा आरोप है, और इसलिए ये सब बोलते रहे। हमने किसी को सह नहीं दी, नहीं दी है जो आप बात कर रहे हैं। समाज बड़ी चीज है, पैनल पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, आपसे सवाल करें सर, रिक्वेस्ट है आपसे, तभी जवाब दीजिए। नहीं, ये अपने आप को समाज से बड़ा न समझे, समाज से बड़ा न समझे, और जिसके एक जिसको ये टारगेट कर रहे हैं ये इनकी इनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन हरियाणा की जनता का ये एजेंडा नहीं है। जनता यदि ये इनका एजेंडा यही था तो ये मेंबर पार्लियामेंट के बतौर मेंबर पार्लियामेंट एक ऐसा इशू बताएं जिसका सरोकार हरियाणा की जनता से है, और वो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया हो कि आज हरियाणा सरकार को ये करने की जरूरत है या भारत जो है केंद्र की सरकार को जरूरत है, ये एक इशू ऐसा बताए, एक ऐसा इशू बताए जिसको जनता का सरोकार हो, और इन्होंने बहस की हो। ये पहले भी जहर घोलते रहे, आज भी जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप पर जहर घोलने के आरोप लग रहे हैं पैनल पर, इससे पहले भी आप पर आरोप लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए, ये देशद्रोह है। एक प्रमुख समाज के एक प्रमुख हिस्से के खिलाफ इस तरह का टारगेट बना करके इनके खिलाफ देशद्रोह का केस होना चाहिए, लेकिन भाजपा यूनियन के इनके प्रति जो लोग प्रदेश जला दिए उनके खिलाफ ना बोलिए कोई शब्द। नहीं, कांग्रेस ने अगर ऐसा किया या किसी भी और पार्टी ने किया तो सर आप लोग सत्ता में हैं, और जनता ने चुना कांग्रेस को, लॉटरी नहीं निकली थी, जांच करवाई आप लोग, इन्हें थाली में डाल में नहीं की थी सरकार, जनता ने चुना था, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में बनाई ये भी जनता ने बनाई, तो कांग्रेस की भी यदि सरकारें रही तो वो इस देश की जनता ने बनाई। विषय ये नहीं है शर्मा जी, नहीं जनता ने अगर चुना तो चुना कोई खतरा नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, आप ख्याल रखिए, आपसे किसी को खतरा नहीं है, अपना ख्याल रखिए। सवाल किया ज्योति, आप सवाल यही है कि कोई भी सांसद चुनाव जीतने के बाद अगर इस तरह के बयान देता है, पार्टी अगर उनसे किसी तरह का इत्तेफाक नहीं रखती तो वो एक्शन में भी दिखना चाहिए। नहीं दिया ज्योति, देखिए हर स्टेप होते हैं, हर व्यक्ति को समझाने के एक स्टेप होते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने के स्टेप होते हैं। जब जब राजकुमार सैनी जी ने इस तरह की कोई बात कही, जिस तरह क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का भी अधिकार है, लेकिन अगर वो सीमा से लांघ करके और जिससे समाज को कोई नुकसान हो रहा, अगर इस तरह की कोई बात करता है तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ इस तरह की बात की गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही। अभी अभी नुकसान का अंकगणित जो है बीजेपी लगा रही है कि नुकसान हुआ या नहीं, 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 फिर देखेंगे। नुकसान और फायदे की बात नहीं है, नुकसान फायदे की बात नहीं है, नहीं समुदाय को समाज को कितना नुकसान हुआ उसका अंकगणित अभी बीजेपी लगाएगी। देखिए अंकगणित यही अंकगणित के ऊपर तो लगे हुए हैं ना, मैं समझ तो रहा हूँ ना, दोहरी राजनीति की बात करते हैं, मेरे प्रिय मित्र बैठे हुए हैं सुरेंद्र रोहिला जी, मुझे याद है
कि आरक्षण के समय पे आरक्षण के बाद में इनकी तरफ से कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे जहां पर ये एक समाज के विरुद्ध हाँ। जो है वोट ना डालने की शपथ लेते हुए मेरे पास में इनकी वीडियो मौजूद है। तो ये राजकुमार सैनी जी के लोकतंत्र सुरक्षा मंच के इनकी अपनी खुद की रोहिला जी की खुद की फेसबुक आईडी से एक समाज का बहिष्कार करने का समाज के विरुद्ध नहीं था, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि इस समाज को पूरी की पूरी एक सख्त बुनियाद के साथ में एक साथ रहना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को जो भी छोड़ता है उसे इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसमें रोशनलाल भी शामिल आपसे विनती है, आपसे सवाल सुनिए आप। अगर आपको आपकी पार्टी से परेशानी थी, सरकार से परेशानी थी, तो वहां इस्तीफा दे देते, पार्टी छोड़ देते, अलग पार्टी बना लेते आप। लेकिन आपने जिस तरह के बयान दिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक बार के लिए, आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं सर, क्या आपकी छवि के लिए बहुत अच्छा है क्या? क्या इस तरह की राजनीति करेंगे आप? मेरा अपना जो है ना, अपना करियर है या अपनी सोच है? नहीं, आपका करियर नहीं है सर, एक सांसद का अपना करियर नहीं हो सकता। आप कुरुक्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भाई ये बताए कि खतरा किस चीज से है? कमाल है, खतरा खतरा की आप अपना ख्याल आप रखिए। उनकी जो यहाँ बैठे हैं या हरियाणा का समाज है उसको शांति से रहने दीजिए आप। उन्होंने कहा कि वो कभी खिलाफ नहीं बोले जाट समुदाय के, तो एक बार सुन लीजिए वो कब कब जाट समुदाय के खिलाफ बोले। देखो, आपका पक्ष लिया भीमराव अंबेडकर ने, पार्लियामेंट में नहीं जाने देना, जाने दिया। मतलब इतने बच्चे हैं सूरवीरों ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। और जब रामलोल लोहिया है, इन सूरवीरों ने फिर रामलोल लोहिया को भी पार्लियामेंट की दहलीज नहीं देखने दी। सांसद साहब जो बोले हैं, हम सीधा आपको नहीं सुनवा पाए, किसी भी समुदाय की भावना इसे भड़क सकती है, समुदाय विशेष की भावना इसे भड़क सकती है, लेकिन वो बोल जाते हैं, उसके बाद वो इनकार कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जब पार्टी से परेशानी है, जब सिस्टम से परेशानी है, जब सरकार से परेशानी है, तो इस्तीफा देकर अपनी लोकप्रियता को क्यों आजमा नहीं लेते सांसद? और साथ ही बीजेपी की क्या कुछ परेशानियां हैं, मजबूरियां क्या हैं, चर्चा कर रहे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। रोहिला साहब, इतनी क्या मजबूरियां हो जाती है कि किसी समुदाय के खिलाफ बोलना पड़ता है? देखिए, जो आपने अभी बयान सुनवाया, उस बयान में उनकी जबान टंग स्लिप हुई थी और उन्होंने इस बात के लिए खेद भी व्यक्त किया, लेकिन बार बार एक विशेष समुदाय ने दो बार टंग स्लिप हो जाती है, एक बार उन्होंने कहा था सुनवा देंगे हम, और वो गलती से बोला गया था, जानबूझ के ऐसा नहीं बोला। हमने तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए ही लोकतंत्र सुरक्षा मंच तैयार किया है। नहीं, ऐसी गलती भी कैसे हो सकती है? वो सांसद हैं, गलती किसी से भी होती है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, उसके बाद क्या इस तरह के बयानों को दोहराया नहीं गया? क्या भड़काऊ बयान नहीं दिए गए? क्या ये सुनिश्चित किया गया? उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। अभी आप आंकड़े देखिए, पिछले दिनों में आया जब जातिगत आंकड़े इकट्ठे करने लगे कि सर्विस में किसकी संख्या ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एक समुदाय की संख्या आई और उसमें करीब 13,000 लोगों ने अपनी जाति बताने से भी ज्यादा है सर। आप ये भी देखिए, आप संख्या की जनसंख्या के आधार पर अगर आरक्षण की बात करते हैं, संख्या 55% तो नहीं है। अपनी सरकार से जवाब मांगते ना, अगर वो 15% है तो 55% नौकरियों के कैसे हैं? एक समुदाय के आमने सामने आ जाता है, वो सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? सरकार से सवाल करें, उसी पार्टी से इस्तीफा दें उसी वक्त जब उनको लगता है कि भेदभाव किया जा रहा है। शर्मा जी बोलिए, संजय शर्मा जी। नहीं देखिए, मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ। अभी मेरे मित्र आदरणीय रण सिंह मान जी बड़ा बखान कर रहे थे कि कांग्रेस को किसी ने तस्तरी में परोस के नहीं दी सत्ता, लोगों ने मत के द्वारा दी। लेकिन सत्ता में आने के बाद आप लोगों के कस्टोडियन बनते हैं, आप लोगों के हितों के रक्षक बनते हैं, उन हितों के रक्षक आप नहीं रहे। आपने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, आपने जिस तरह का भाई भतीजावाद किया, आपने जिस तरह जातिवाद किया, इशू है ना, नो नो भटका रहे हो आप, फिर भटका रहे हो आप। राजकुमार सैनी आपकी एक ही लाइन है, आज आप भटका रहे हो, आप इशू पर रण सिंह सत्ता से बाहर किया लोगों ने, आज आप सत्ता में नहीं है, नो वही तरफ आपकी बोल रही है। रही बात राजकुमार सैनी के बारे में, मैं बोल रहा हूँ ना, जो आपने कहा, मैं आपने जो बखान किया, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना था ना जी। आपने बड़ा के विचार है, ये बताइए
नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है। तो फिर एक्शन क्यों लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया? आप चिंता मत करें। आप देखिए, जब आप कहते हैं कि पारदर्शिता के साथ भर्तियां की गई, सुनिए सर, सुनिए, सवाल है आपसे, सवाल है इसलिए सुनिए। पारदर्शिता के साथ भर्तियों के दावे करती है बीजेपी सरकार, मनोहर सरकार, और मनोहर सरकार के साथ ही बीजेपी सरकार के जो सांसद हैं वो कह देते हैं कि पारदर्शिता की रखी है, समुदाय विशेष का बड़ा हिस्सा शामिल किया गया है, तब एक्शन लिया जाना जरूरी नहीं समझते? भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतना दम है कि एक सांसद क्या किसी के खिलाफ भी कोई भी एक्शन लिया जा सकता है? ये तो कांग्रेस देखिए ने मंशा भी है, मैंने कहा ना, नहीं समय का भी कोई इंतजार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने केंद्र नेतृत्व को दे दिया, मैंने पहले भी कह लिया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने गिरेबान में झाके कि उनके अध्यक्ष को किस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री पीट करके फेंक देते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं? अपने उस पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, उसका जवाब देना है। हमारी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है इस पर ज्यादा चिंता करने की आदरणीय नरसिंह लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करेगा तो पार्टी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको गंदगी फैलाने में मजा आता है, इनको वो बात देने में मजा आता है, ये कोई बात भी स्पष्ट रूप से नहीं कहेंगे। सवाल ये था यहाँ पे कि आज राजकुमार सैनी हैं, इस स्थिति में आए हैं, वो कैसे पहुंचे? देखिए, इतिहास में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि जब एक वैचारिक मत हुआ किसी आदमी का जिस पार्टी में वो काम कर रहा होता है, तो वो पार्टी से अपने आप को उसने अलग किया। इनकी पार्टी के नेता उन्होंने किया, वो स्टार्ट कैसे हुए और दूसरी पार्टी इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो लेकिन राजकुमार सैनी जी ने सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के रहे, भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ। वो समाज में विष घोलने का काम करते रहे, अपनी मनमर्जी से चलते रहे, 35-1 का नारा देते रहे। विशेष समुदाय, वो कौन सा विशेष समुदाय है? क्या हरियाणा में, क्या हरियाणा आज जिस मुकाम पर है और जिस पर ये भी इतराते हैं कि हरियाणा बहुत देश के अच्छे प्रांतों में उसकी गिनती है, तो उस मुकाम पर जाए जिस ये विशेष जो समाज का नाम लेते हैं, सुनिए सुनिए, विशेष समुदाय का नाम लेते हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, किस तरह की बात कौन कौन कहता है? और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का योगदान है, चाहे पॉलिटिकल विरोधी आपके हो सकते हैं, समुदाय नहीं है, सुनिए सब समुदाय ना, 36 बरादरियां 2.5 करोड़, हमने कब कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहती, देखिए आप ये जो सवाल उठा रहे हैं, आप राजकुमार सैनी उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, उनके लोकतांत्रिक से उनसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। बीजेपी नेता है संजय शर्मा जी, राजकुमार सैनी अभी बीजेपी नेता है, वो बीजेपी सांसद है, उनके सांसद है, मैंने ये कहा ना, लोकतंत्र सुरक्षा मंच से प्रवक्ता हमारे साथ है, राजकुमार सैनी की ओर से अलग अगर मानते हैं आप, प्रवक्ता अलग से है, तो ये भी मानिए कि राजकुमार सैनी बीजेपी का हिस्सा नहीं है, इतनी बड़ी बात मानिए आप? नहीं, कैसे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। दोनों बातों में फर्क है, देखिए एक राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है, एक व्यक्तिगत का अपना एजेंडा हो सकता है। अगर एक राजनीतिक दल, एक बात कह रहा हूं मैं, आज भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में नहीं है, ये अगर एक व्यक्ति को कह रहा है, सांसद जो बोल रहा है वो व्यक्तिगत विचार है जो बीजेपी की सुविधा के अनुसार से नहीं है, क्या वो व्यक्तिगत विचार है फिर ये माना जाए? ज्योति जी, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। राजकुमार सैनी जी के मंच के प्रवक्ता ने भी एक बात कही कि एक विशेष जाति के 55% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है हरियाणा में, वो ये बात भूल गए कि वो लोग कम्पीट करके आए हैं। किसी को अगर दिक्कत थी सिलेक्शन के टाइम तो दुनिया जाती है, वो कोर्ट का सहारा ले सकते थे। दूसरा, मुझे आज वो बताएं, राजकुमार सैनी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जाट को और दूसरी चीज़ों के एक लाइन तो खींच दी उनके बीच में, क्या उन्होंने कभी ये भी सोचा है आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जाट किस किस पोस्ट के ऊपर हरियाणा में चेयरमैन बता दो किस जाति के ज़्यादा हैं, चेयरमैन के अलावा जो बाकी ऑफिसेज हैं वो बता दीजिए, आईएएस ऑफिसर हैं वो बता दीजिए कितनी सीटों पर हैं, तो इसको आप क्या कहोगे? इसके लिए तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई। और आज जो सिलेक्शन होते हैं, क्या जाटों ने इस बात को कहा सिलेक्शन मेरिट से नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी जाति विशेष का दबदबा है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं, करनाल के अंदर 20 आदमी ठेके पर लगाए गए और वो सभी के सभी आदमी नारनौंद और हिसार हल्का से एक ही जाति विशेष के है, क्या सीएम सिटी के अंदर और जो योग्य लोग है ही नहीं, क्यों नहीं दे देते ऐसी पार्टी? क्या वो लोग है ही नहीं योग्य लोग? क्या जितने समय तक वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? और वो ऐसे लोग हैं रोहिला साहब, देखिए जनता को बरगलाई मचा के रिक्वेस्ट है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर लगाए गए और उनको कंप्यूटर तक ऑपरेट करना नहीं आता, उन लोगों को वहाँ पे लगाया गया। आपने फूड एंड सप्लाई में लगाए, उनका जिक्र नहीं किया। फिर करनाल में 40 आदमी लगाए, वो कहाँ के थे, कौन थे?
तो राजकुमार सैनी आप ऐसी बात क्यों नहीं देते ऐसी पार्टी से, इंतजार किस बात का है? कभी 26 और दूसरी बात करते हैं, कभी अगस्त की बात करते हैं। दूसरी बात ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी इश्यू से अटकर के जो बहस कर रही है, क्या चीफ मिनिस्टर के साथ सारी पार्टी लामबंद है? इनके मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से मंत्री हैं वो ना खुश हैं, इनके मंत्रियों से इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना खुश हैं, और ये दूसरी पार्टियों पे छिट्टा कस कर रहे हैं। आज सवाल केवल इतना है कि सिर्फ फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी समरसता है समाज में, उसको खराब करने के लिए छदम एजेंडे पर काम कर रही है, और राजकुमार सैनी उसको प्रैक्टिकली हरियाणा के लोगों में ये बात अपनी खुली कर रहे हैं, ये फर्क है। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, जिनमें ये है कि 55% जो लोग हैं एक समुदाय विशेष पे, मैं दस्तावेज दिखा सकता हूं, और ऐसे हजारों आदमी है जिन्होंने अपनी जाति बताने से इनकार कर दिया, वो भी उसी समुदाय के लोग है, उन्होंने जानबूझकर जाति बताने से इनकार किया क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा। सर्वे जो है ना उसे पैनल पे पेश कीजिए, आप बताइए कहाँ से ये सर्वे करके आए हैं, कहाँ से ये आंकड़ा लेकर आए हैं? ये सर्वे मेरे पास पर्सनल नहीं है, ये सरकार के। कौन से वो लोग थे? नहीं, सरकार का है, कौन से वो लोग थे आपके पास कोई जानकारी सरकार है? मैं आपको आंकड़े, आप अगली बार मन में का पाप है, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ, इनके मन का पाप है। आप आंकड़े लेकर आए हैं, आंकड़े नहीं मन का पाप है। आप हवाला देते हैं आंकड़ों का, क्या आंकड़े लेकर आए हैं आप? कितने लोगों ने अपनी जाति नहीं बताई, उसके सबूत आपके पास वो हैं कि जाति समुदाय से वो हैं, समुदाय विशेष से वो हैं? आंकड़ों के साथ सब कुछ आपके स्टूडियो में दिखा सकता हूँ, बताइए फिर, दिखाइए अगली बार, नेक्स्ट टाइम जब भी आप बुलाएंगे। इनके मन में पाप है, मन का पाप के आंकड़े नहीं होते। देखिएगा जब आप योग्यता रखते हैं, समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबान से पता चलता है हरियाणा में समानता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 2014 में आपके नेता ने नहीं समानता आप लड़ाई नहीं लड़ी गई सर, रोहिला साहब क्या आपको जानकारी नहीं है? 2014 में ये लड़ाई नहीं लड़ी गई, जब वोट मांगने राजकुमार सैनी पहुंचते हैं तब उनकी भाषा ये नहीं थी, क्या आपको जानकारी? बोला कोई भाषा नहीं थी, तब ये भाषा नहीं थी, तब ये कि सांसद बन जाएंगे, विशेष समुदाय के वोट की जरूरत नहीं है, शुरुआत की थी समानता की लड़ाई की, लेकिन वो समानता की लड़ाई जब असमानता में बदल गई, जब जलाने वालों के केस माफ कर दिए गए, हरियाणा जलाने वालों को छोड़ दिया गया, किसने छोड़ा? और जिन लोगों का छोड़ा? और जिन लोगों के घर जले किसने छोड़ा? राजकुमार सैनी ने अपने पास से 2-2 लाख रुपए करके गरीब लोगों को दिया, उस पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और उस पार्टी ने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? देखिए जिन लोगों ने भी, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हो, जो घर जलाने की आप बात कर रहे हो, संपत्ति का नुकसान करना, जिन जो भी सीरियस केसेस हैं, चाहे वो सीबीआई के हैं, चाहे जिन्होंने भी इस तरह के काम किया है, हमने केवल उन इनोसेंट लोगों को जो इनके खिलाफ कुछ कारणों से मुकदमे दर्ज हो गए, इनोसेंट लोग जिसमें बहकावे में आकर कुछ लोगों ने जिन्होंने जो कि उन केसों में संलिप्त नहीं है, केवल उन लोगों के खिलाफ ही केस वापस लिए गए हैं, लेकिन जो भी गंभीर मसले हैं, चाहे वो सीबीआई के मसले हैं चाहे और दूसरे मसले हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा गया, लेकिन इनोसेंट लोगों के खिलाफ जो कुछ हुआ केवल उनको कहा। दूसरी बात, जो कि हरियाणा मामलों के बीजेपी के नेता हैं, सुनिए, प्रभारी जो है वो भी मध्यस्थता करेंगे सीबीआई के मामलों में। ज्योति जी, प्रकाश सिंह कमेटी ने जो है ये उनका जिक्र कर रहे हैं, और जिनकी ये पृष्ठभूमि का जिक्र कर रहे थे रोहिला जी भी, रब शर्मा जी कर रहे हैं, प्रकाश सिंह कमेटी का गठन किसने किया? भाजपा सरकार ने किया। हाँ। तो उस टाइम तो राजकुमार सैनी ने भी ये कहा कि अच्छा रण सिंह मान जी, ये सारा पाप तो आपकी पार्टी का किया हुआ है, आप तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं। देखिए आपके कहां से आंदोलन चला, किस लोकसभा से आंदोलन चला, किस शहर के अंदर हुआ, किसके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बात करते हुए पकड़े गए, कौन सा व्यक्ति टेलीफोन पे कहता हुआ पकड़ा गया, छुट्टी भी, क्या बात कर रहे हैं? आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपके नेता आपके जो मुख्यमंत्री है उनकी विधानसभा में बैठ करके योजना बना, आप क्या बात कर रहे हैं? शोर मचाना नहीं, मैं सच्चाई काम कर रहा हूँ। नीरव मोदी को कांग्रेस ने बचा क्या बाहर? नीरव मोदी को पैदा करने वाले भी आप लोग हैं। अरे 2011 में नीरव मोदी को पैदा करने वाले आप लोग हैं। आप 14 में सत्ता में आए, चिंता मत करिए, आप 14 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी सरकार से लिया, ये बताओ केवल मिली पैसे खाए, आप केवल बातों के पकौड़े जानते हो बनाने, हमारी कोई मजबूरी नहीं। अब चुनाव आएगा ना, तब पता चलेगा, हेलमेट पहन के वोट मांगने जाओगे, मेरी बात चिंता मत करिए, हेलमेट पहन के वोट मांगने जाओगे, भविष्य में आप अपने अध्यक्ष के हेलमेट ने सिर को बचाओ, हमारी चिंता आप जी, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के सांसद के बीच का ये पूरा मामला है जो कि खुलकर जनता के बीच में आ चुका है सर, आप कांग्रेस पर जा रही है लगता है, बड़ी बात में जवाब नहीं, इतना समय है कांग्रेस और दूसरों पे शीशा, दूसरों पे पत्थर फेंकने का अधिकार होता है, जिनके घर शीशे के नहीं होते, वो
मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस किस मुंह से हमारे पर आरोप लगा रही है। जनता ये जवाब चाहती है कि 35-1 की जब बातें हो जाती हैं तो बीजेपी जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। लेने में इतना वक्त क्यों लगाया जाता है? क्या वोट बैंक का डर है बीजेपी को? ज्योति ज्योति सुन ले भाई, उन्होंने जब कहा, जब उन्होंने कहा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरह का कहा कि इसके बाद आप नहीं बोले, उसके बाद आप एक भी बयान उनका दिखा दीजिए। एक्शन क्या लिया वो बताओ, एक्शन होता है क्या लिया? देखिए किसको फांसी में चढ़ा दोगे क्या एक बात कहने से? एक्शन यही होता है कि फांसी सुनो ना, कीर्ति आजाद ने एक बार कहने के बावजूद वो चुप नहीं हुए और बिना कांड के आरोप लगाते रहे। सुने हाँ बिल्कुल, देखिए राजकुमार सैनी ने मारते हो, मैं बता रहा हूँ पकौड़े उतारते नहीं, पकौड़े तो आपको बेचने का हो रहा है, आप पकौड़े बेचोगे चिंता मत करो, वो आपके लिए आपके लिए बनाओ। देखिए कौन सी दुकान है। देखिए ज्योति, जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हर व्यक्ति को हर तरह का मौका दिया जाता है, उनको कहा गया कि आज के बाद आप ऐसा बयान नहीं दे सकते, तो पार्टी है कोई उपाय नहीं है। सुनिए क्या भारतीय जनता पार्टी में उकसाने में फर्क है? जब उनको कहा उसके बाद बिल्कुल उन्होंने इस तरह को बयान नहीं दिया। सुनिए फिर जवाब दीजिएगा, क्या 2019 से पहले राजकुमार सैनी को आप लोग बाहर निकालते हैं? क्या वोट बैंक का खतरा बीजेपी के लिए? मैंने पहले कह दिया कि हमने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो सांसद हैं, अब उस बात को मैं चार बार कह और रिपीट करूं, वो सांसद हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो है उनके पक्ष में या जो भी बातें हैं वो सारी हमने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कह रही है जो कुछ कह रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी, आप कह सकते हो केंद्र भारतीय कांग्रेस के बारे में? मुझे ये बताइए कि हुड्डा साहब जो कुछ कर रहे हैं या तवर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो किसके इशारे पे कर रहे हैं? समाज को तोड़ने का नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं फर्क है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। साइकिल चला रहा है, कोई तुलना नहीं है, वो किसके पे कर रहे हैं? समाज तोड़ने का काम नहीं कर रहे इनमें से कोई। आप हमारी पार्टी को ध्यान देने के बजाय अपने घर को संभालिए। उपेंद्र हुड्डा ले रहे हो तवर का, वो समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे। समाज तोड़ने का काम का एजेंडा दलित अध्यक्ष को आपने बख्शा नहीं है। आपने एक दलित अध्यक्ष को आपने बख्शा नहीं। संजय शर्मा जी, विषय से भटकाने का भी समय नहीं है, अगर विषय से भटकाएंगे नहीं, अगर विषय से भटका कांग्रेस वाले भटका रहे हैं। क्या पार्टी एक्शन लेगी जब पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जिस रैली में आते हैं वो शामिल नहीं होते, उसको फ्लॉप रैली वो करार देते हैं? जवाब दीजिए, मेरे से पूछ रहे हैं। बिल्कुल आपसे नहीं, राजकुमार सैनी ने, मैं कह रहा हूँ ना कि एक बात अगर उसने कही है तो हमने केंद्रीय नेतृत्व को उन बातों को पहुंचा दिया है, वो निर्णय लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके बारे में निर्णय लेंगे। शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो पार्टी का जो हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो एक्शन लेगा, उसकी जानकारी बीजेपी ने दे दी है। अब इंतजार ये है कि राजकुमार सैनी खुद पार्टी छोड़ते हैं या फिर बीजेपी जो है एक्शन इसका लेगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बयानबाजी होकर रखी है। लगातार वो कह चुके हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी कब बनाएंगे, किस तरह की राजनीति वो करेंगे, जिस तरह के आरोप उन पर लगते रहे कि 35-1 की राजनीति के लिए जाने जाते हैं राजकुमार सैनी, क्या उसी तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। अगस्त तक अलग राजनीतिक दल लेके आऊंगा, ना मैं किसी की तोता ना मैं किसी की मैना।